أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم से 50 तक पढ़ी गई। ऐ किताब वालों, ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया, तस्दीक करता है उस किताब की जो तुम्हारे पास है पहले, इससे पहले कि हम मिटा डालें बहुत से चेहरों को, फिर उलट दें उनको पीठ की तरफ, या लानत करें उन पर जैसे हमने लानत की हफ्ते के दिन वालों पर, और अल्लाह का हुक्म तो होकर ही रहता है।
बेशक अल्लाह नहीं बख्शता उसको जो उसका शरीक करे, और बख्शता है उससे नीचे के गुनाह जिसके चाहे, और जिसने शरीक ठहराया अल्लाह का उसने बड़ा तूफान बांधा। क्या तूने नहीं देखा उनको जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं, बल्कि अल्लाह ही पाकीज़ा करता है जिसको चाहे, और उन पर जुल्म न होगा तागे बराबर। देख कैसा बांधते हैं अल्लाह पर झूठ, और काफ़ी है यही गुनाह सरीर। ऐ लोगों, जो किताब तौरात दिए गए हो तुम उस किताब यानी कुरान पर ईमान लाओ जिसको हमने नाजिल किया है, और तुम इस पर ईमान लाने से वशत न होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको इसी हालत पर नाजिल फरमाया है कि वह सच बतलाती है। उस किताब को जो तुम्हारे पास है यानी तुम्हारी असल किताब, उसके लिए वह मुसद्दिक है, बाकी तहरीफ का हिस्सा इससे अलग है। सो तुम कुरान पर इस अम्र गैर यकीनी के होने से पहले पहले ईमान ले आओ कि हम तुम्हारे चेहरों पर के नक्श व निगार यानि आँख नाक वगैरह को बिल्कुल मिटा डालें, और उन चेहरों को उनकी उल्टी जानिब यानि गुद्दी की तरह सपाचट बना दें, या उन ईमान न लाने वालों पर हम ऐसी ख़ास तौर की लानत करें जैसी लानत उन हफ्ते वालों पर की थी जो यहूद में गुजर चुके हैं, जिनका जिक्र सूरह बकरा में आ चुका है, यानि उनकी तरह उनको भी बंदर की शक्ल बना दें, और अल्लाह ताला का जो हुक्म सादिर हो जाता है वो पूरा ही होकर रहता है। सो अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान न लाने पर अगर इस मस्त का हुक्म कर देंगे फिर ये ज़रूरी हो जाएगा, लिहाजा तुमको डरना चाहिए और ईमान ले आना चाहिए। सूरह निसा की आयत 47 में अहले किताब से मुखातिब करके अल्लाह ताला ने उनको ज़बरदस्त तंबीह की है, और उनको ईमान लाने की दावत दी गई है। अहले किताब उन लोगों को कहा जाता है जिनको पहले आसमानी किताबें दी गई, जिसमें बनी इसराइल हैं, तौरात और इंजील और ज़बूर, सुहूफ इब्राहिम और मूसा, ये वो किताबें हैं जो पहले लोगों को दी गई कुरान के नुज़ूल से पहले। बाद में आखिर में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको कुरान दिया गया। अल्लाह ताला की हिदायत का उसूल ये रहा है कि पिछली किताबें जितनी गुजरी हैं, आने वाली किताब पिछली किताबों की तस्दीक करती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ज़बूर नाजिल हुई दाऊद अलैहिस्सलाम पर, उसके बाद तौरात नाजिल हुई मूसा अलैहिस्सलाम पर। जब तौरात नाजिल हुई तो ज़बूर की सारी बातों की तस्दीक की तौरात ने। तस्दीक का मतलब यह है कि तौरात में जो जो बातें अल्लाह ताला ने फरमाई वो बिल्कुल सही हैं, और बुनियादी बातें जो हैं वो अकायद के मुतालिक हैं कि अल्लाह की ज़ात एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, उसकी ज़ात में नहीं, उसकी सिफात में नहीं, वही इबादत के लायक है। सारी दुनिया, सारी कायनात, ज़मीन आसमान चांद सितारे सूरज सैारे सब का बनाने वाला अल्लाह ही है। तो खालिक व मालिक पूरी दुनिया का अल्लाह है, ये एक बुनियादी बात। दूसरी बुनियादी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और उसकी हिदायत के लिए रसूलों को भेजा, तो रसूलों की रिसालत को मानना। जब तक दाऊद अलैहिस्सलाम का जो ज़माना था उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से दाऊद अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए वो सब सच्चे थे, और उनकी बात मानना चाहिए। ये दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को ज़बूर में हुक्म दिया गया। और फिर तीसरी बुनियादी बात आखिरत के मुताल्लिक कि आखिरत बरपा होगी, क़यामत आएगी, और क़यामत में सारे लोग जो मर चुके थे उनको फिर से ज़िंदा किया जाएगा, उनको अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, उनका ज़िंदगी भर का हिसाब किताब लिया जाएगा। जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा उनको जन्नत में दाखिला दिया जाएगा, और जिनकी
गुनाहों का पलड़ा भारी होगा, उनको जहन्नम वसी किया जाएगा। ये बुनियादी बातें। और इसके साथ साथ एक और अहम बात पिछली किताबों में ये रही कि आइंदा जमाने में भी कोई किताब अल्लाह की तरफ से आएगी, कोई रसूल कोई नबी आएंगे, तो तुम्हारा काम यह है कि उनको भी मानना, उन पर भी ईमान लाना, उनकी भी तस्दीक करना। यह हुक्म तौरात में, यही हुक्म इंजील में, जुबैर जबूर में, हर आने वाली किताब में पिछली किताबों की तस्दीक, और आइंदा अगर कोई किताब आएगी, कोई रसूल आएंगे, तो उनको भी मानने का हुक्म, अल्लाह की वहदानियत, रसूलों की रिसालत और आखिरत पर यकीन। ये बुनियादी बात है। लेकिन अब कुरान मजीद जब नाजिल हो गया तो बुनियादी बातें तो वही रहीं, अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना, उसकी ज़ात और सिफात में शरीक नहीं करना, आखिरत पर ईमान लाना, जन्नत जहन्नम पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, पिछली किताबों पर ईमान लाना। अब कुरान आने के बाद आइंदा कोई और किताब नाजिल नहीं होगी, आइंदा और कोई नबी या रसूल नहीं आएंगे, अब नबूवत का, रिसालत का, वही का दरवाजा बंद हो चुका है। इसलिए ऐ अहले किताब, तौरात को मानने वाले किताब वाले, इंजील को मानने वाले किताब वाले, जबूर को मानने वाले किताब वाले, अब जबूर को मानने वाले तो उस जमाने में ज्यादा थे नहीं, तो ज्यादातर यही दो ही तबके थे, तौरात को मानने वाले यहूदी, ज्यूस जिसको आज हम कहते हैं, और इंजील को मानने वाले ईसाई, जिनको नसारा कहा गया, और आज की दुनिया में हम उनको क्रिश्चियन कहते हैं। ये लोगों से कुरान मजीद ने खिताब किया कि देखो तुम्हारे पास जो पहले से किताबें हैं, तौरात है, इंजील है, वही किताब की तालीमात को यह किताब कुरान मजीद भी सही बतलाती है। इसलिए तुमको अब हुक्म दिया जा रहा है कि आमिनू बिमा नज़लना, हम अब जो नाजिल कर रहे हैं उस पर ईमान लाओ, यानी कुरान पर। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ऐ किताब वालों, आमिनू बिमा नज़लना, हम जो अब नाजिल कर रहे हैं उस पर ईमान लाओ, मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम मिन क़ब्ल, तुम्हारे साथ जो पहले से किताबें हैं उसकी भी ये तस्दीक करती है, मिन क़ब्ल अन नतमिसा वुजूहन, इससे पहले कि अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो, अल्लाह ताला तुम्हारे सूरतों को मस्त कर दें, क़ब्ल अन नतमिस वुजूहन फनवरुद्दहा अला अदबारिहा, एक खास किस्म के आदाब का तज़किरा इस आयत में किया गया। और अक्सर मुफस्सिरीन का ख्याल यह है कि इसमें अल्लाह के गजब का इजहार है, और जिस आदाब का तज़किरा है वो आदाब अगरचे नाजिल नहीं हुआ लेकिन अल्लाह ताला नाजिल कर सकते थे, डराया गया उनको, इससे पहले ईमान लाओ कि तुम्हारे चेहरों को सपाट कर दिया जाए, नाक नक्शा चेहरों का मिटा दिया जाए। यह भी मस्ख सूरत का एक तरीका है। इससे पहले अस्हाब सब का जिक्र है, अस्हाब सब को तो हफ्ते वाले लोग, हफ्ते वाले लोगों का मुख्तसर तारुफ यह है कि एक कौम गुजरी थी जिनको मछलियों के जरिए से गिजा दी जाती थी, वो मछली का शिकार करके अपनी गिजा हासिल करते थे, लेकिन उनके बस्ती में जो दरिया थी या समंदर था या तालाब था, जो भी था जिसमें मछलियां आती थी, तो मछलियों के बारे में उनको एक पाबंदी लगाई गई थी कि हफ्ते का एक दिन यानी सैटरडे तुम शिकार नहीं करना, बाकी पूरे पांच दिन तुम शिकार कर सकते, छह दिन तुम शिकार कर सकते, हफ्ते के दिन नहीं करना। लेकिन उन लोगों ने देखा कि पूरे छह दिन मछलियां ज्यादा मिलती नहीं है, किनारे पर आती नहीं है, उनका शिकार हो नहीं पाता, और बड़ी मुश्किल से मछलियां मिलती हैं, काफी मेहनत करना पड़ता था। लेकिन जिस दिन शिकार करने से मना किया गया, उन्होंने देखा कि बड़ी तादाद में मछलियां पानी की सतह के ऊपर आ रही हैं और उनको पकड़ लेते थे। अब अल्लाह ने मना कर दिया है तो तरीका इख्तियार किया है कि मछलियों को जब वो सतह आब पर यानी समंदर के तालाब के किनारे आती थी तो एक गढ़ा इस तरीके से उन्होंने बना लिया था कि पानी का बहाव उस गड्ढे की तरफ हो और मछलियां खुद ब खुद बहकर उस गड्ढे में आकर
ठहर जाएं, फिर उनको वापस जाने का मौका ना मिला। और जब हफ्ते का दिन गुजर जाता था तो वो गड़े में से मछलियां निकाल लेते थे और ये कहते थे कि हम शिकार तो इतवार के दिन कर रहे हैं, हफ्ते के दिन खाली उनको स्टोर करके रखते थे। चाहे स्टोर करना हो चाहे शिकार करना हो, अल्लाह ने मना किया था। तो उनका ये जो नया तरीका था, अल्लाह ताला ने उनके इस नए तरीके की वजह से उन पर अदाब ऐसे नाजिल किया कि उनको बंदर बना दिया गया। बंदर में तो पूरी इंसान की बॉडी चेंज हो जाती है, उसका नाक, नक्शा, चाल, ढाल, हाथ पैर जैसे बंदर के होते। बंदर बनकर वो रहे 3 दिन और उसके बाद वो सारे बंदर मर गए। इसको कहते हैं मस, पूरी बॉडी चेंज हो जाए। लेकिन यहां पर एक और किस्म के अजाब का जिक्र है, वो है तम्स। तोए मीम सीन तम्स, तोए मीम सीन है मस्क, ये है तोए मीम सीन तम्स। अन्नत मिसा वजूहन, इसमें सिर्फ चेहरे के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम ऐसा अजाब तुम पर नाजिल करेंगे अगर ईमान नहीं लाओगे कि तुम्हारे चेहरे के नक्श निगार मिटा दिए जाएंगे। अब आप तसव्वुर कीजिए, हम लोग बहुत सारे लोगों की खूबसूरती का एक मियार कायम करते हैं, उसमें एक चीज होती है नाक, आंख नाक का अच्छा होना, आंख नाक की अच्छी होना। तो आंख और नाक यही तो दो अहम जुज हैं जो चेहरे पर इंसान की खूबसूरती के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। आंखें तो फिर भी अंदर हैं गड़े के, जो चेहरे पे उभर के आती है वो नाक है। किसी की नाक थोड़ी सी दबी हुई रही, चपटी रही तो लोग पसंद नहीं करते, अरे वो चपटा है, वो चपटी है बोलते। हालांकि नाक है और चपटों में भी उनकी अपनी खूबसूरती होती है, मगर हम जैसे लोग उसको पसंद नहीं करते। अगर इंसान के नाक और आंख और चेहरे के नक्श निगार को सिरे से मिटा दिया जाए, एक ऐसी तस्वीर का तसव्वुर कीजिए जिसमें आंख नाक नहीं है, तो क्या हम उसको पसंद करेंगे? अल्लाह ताला ने उसी तरफ इशारा किया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे, अन्नत मिसा वजूहन फनरुद्दहा अला अदबारिहा, तुम्हारे चेहरे के नक्श निगार को मिटा देंगे और चेहरे का हाल, जैसे पीछे सिर पे गुद्दी है ना, ये पीछे सिर पे कोई नक्श निगार नहीं है, तो सामने का चेहरा भी पिछले सिर की तरह कर दे। औ न लाना हो कमाल अन्ना अस्हाब सब, या फिर तुम पर ऐसी लानत करेंगे जैसे हफ्ते के लोगों पर लानत की गई थी अस्हाब सब्त पर। और अस्हाब सब्त का मैंने तस्करा किया कि उनको मस्त करके बंदर की शक्ल बना दी गई थी। तो अल्लाह ताला डरा रहे हैं कि अगर ईमान नहीं लाओगे तो या तो तुमको तम्स कर दिया जाएगा या मस्त कर दिया जाएगा, और ऐसी लानत की जाएगी जैसे अस्हाब सब्त पर तुम पर लानत की गई थी। वकान अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह ताला अपने काम करने वाले, अल्लाह कोई काम करने के लिए तैयार हो जाए तो अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता। कौन रोक सकता है अल्लाह ताला? तो कान अम्रुल्लाह मफ़ऊला, अल्लाह का हुक्म तो जब नाजिल हो जाता है तो होकर रहे। तो इसमें अहले किताब को सख्ती के साथ वार्निंग दी गई। अब मुफस्सिरीन ने बताया है कि तम्स का अजाब आया नहीं, सिर्फ डराया गया था, लेकिन मस्क का अजाब तो आ चुका था और अस्हाब सब्त को बंदर बनाकर मस्क कर दिया गया और उनको 3 दिन के बाद फिर हलाक कर दिया गया। ये ईमान की अहमियत का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना कितना अहम है। अब अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह को मान लिया कि अल्लाह है और वो एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो अपनी कुदरत वाला है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक है, और उसकी अपनी ज़ात, उसके नाम, उसकी सिफात है, और हर चीज के ऊपर अल्लाह को कुदरत हासिल है, और अल्लाह पूरी दुनिया को जो मेंटेन करता है उसको तसर्रुफ कहते हैं, इस्तेमाल कर। आप किसी चीज के मालिक हैं तो आप अपनी मर्जी से उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। आप गाड़ी के मालिक हैं, गए जैसे चाहे आप अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ये दुनिया को जैसे चाहता है चलाता है, इसको तसर्रुफ कहते हैं। किसी को बहुत रिस्क दे दिया, किसी को रिस्क में तंगी कर दी, किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को काला गलोटा बना दिया, किसी के हाथ पैर को अच्छा बनाया, किसी के हाथ और पैर और आजाओ जवारे से महरूम कर दिया, किसी को खूब लंबी उम्र दी, किसी को थोड़ी सी उम्र दी, बचपन में उसका इंतकाल हो गया। ये सब कुछ जो हो रहा है दुनिया में, ये अल्लाह के तसर्रुफात है।
اللہ جس کو جیسے چاہے استعمال کر رہا ہے. تو اللہ کے یہ سارے کاموں کو کرنے کے لیے اللہ ہی کا تصور رکھنا چاہیے. یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو ایسا کرنے والا سمجھیں گے تو وہ شرک ہے. میرے کام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. نہیں, میرے کام فلاں بزرگ بناتے ہیں, کوئی اور بنانے والا ہے, میں اس سے جا کر مانگوں گا, تو یہ شرک ہے. اب یہ شرک کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشتا شرک کرنے والے کو. اور شرک کے علاوہ بڑے بڑے گناہ اور بھی ہیں, زنا ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, سود خاری ہے, رشوت ستانی ہے, لوگوں کا مال غصب کر لینا ہے, جائیدادوں پر قبضہ کر لینا ہے, ماں باپ کی نافرمانی ہے, رشتہ داروں کے حقوق کا تلف کر دینا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, بہت سارے بڑے بڑے گناہ ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور یہ جتنے دوسرے بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ اگر چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے, لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. الفاظ کے اندر بھی پاور ہوتا ہے, زور ہوتا ہے, پریشر ہوتا ہے. ہم لوگ بھی جب آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو الفاظ کا اثر, اس کا پریشر, اس کا فورس محسوس کرتے ہیں. جیسے ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں, اس کو ریسپیکٹ دے کے بات کر رہے ہیں تو آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ریسپیکٹ ذرا کم ہوتا ہے تو تم بولتے ہیں, اور ریسپیکٹ بالکل نہیں ہوتا ہے تو تو بولتے ہیں. یہ تین لیول ہیں. حالانکہ تو بولے تو بھی سامنے والا آدمی ہے, تم بول تو بھی سامنے والا آدمی ہے, آپ بولے تو بھی سامنے والا آدمی ہے. لیکن الفاظ جب بدلتے ہیں تو اس کا اثر بھی بدلتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی جب الفاظ سخت آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب, اس کے غصے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا لیول سمجھ میں آنے لگتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ کے متعلق گھڑ لیا. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں میرے ساتھ کوئی اور ہے, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میرا بیٹا ہے, میری بیٹیاں ہیں. لیکن لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ سب چیزوں کو گھڑ دیا تو اللہ کو بہت غصہ ہے, اور اس غصے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا ہے اور اس سے روکا ہے. اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, ترجمہ اس کا اس طرح سے کیا ہے کہ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا لیا تو اس نے بڑا طوفان برپا کر دیا, بڑا طوفان برپا کر دیا. الحمدللہ الذین یزکون انفسہم, ایک تو شرک سے منع کیا گیا, دوسرے کہا گیا الحمدللہ الذین یزکون انفسہم. کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت پاک باز کہتے ہیں, میں بڑا نیک آدمی ہوں, میں تو بہت اچھا ہوں, میں تو بڑا شریف ہوں, میرے سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. ہر آدمی عام طور پر اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا اور دوسروں کے اندر برائیاں نکالتا, انہوں ایسے, انہوں ایسے, انہوں ایسے, انہوں ایسا کر رہے ہیں, انہوں ایسا کر رہے ہیں, انہوں ایسا کر رہے ہیں, انہوں ایسا کر رہے ہیں. آپ میرا کیا حضور ہے, میں سب سے اچھا ہوں, میں تو شریف آدمی ہوں, میرا کیا حضور ہے. بولیے آپ کسی سے آپس میں انبن بھی ہو جاتی ہے تو اپنے دوستوں کو, جان پہچان کے لوگوں کو جا کے قصہ سناتے ہیں کہ فلاں صاحب سے میری لڑائی ہو گئی, انہوں ایسا بولے, انہوں ایسا بولے, تو دوست ہمارا ہے نا, ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہوں, ارے تمہارے ساتھ ایسا کرے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تمہارا قصور نہیں ہے میاں, اس کا ہی قصور ہے بولتا ہوں. ذرا اس سے پوچھے جاگے تو انہیں بولتا کہ ان کا قصور کیا ہے. اس لیے قاضی یا جج جو ہوتا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ لڑائی جن دونوں کے درمیان میں ہوئی دونوں کی بات پہلے سننا ہو, اس کے بعد فیصلہ کرنا. ایسا نہیں ہوتا, مگر ہم لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں, ایک آدمی کی بات سنتے ہیں اور اس کی طرفداری کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ جو آدمی اپنی بات سنا رہا ہے انہیں اپنے آپ کو بے گناہ بتاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ گناہ اسی کا,
اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں بہت نیک ہوں اللہ میاں، میں بڑا پاک نمازی ہوں، میں بہت قرآن پڑھنے والا ہوں، میں بہت نیکیاں کرنے والا ہوں، بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہوں، بہت اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنے والا ہوں، اللہ نے میرے سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں، ایسا نہیں بول سکتا کوئی انسان. ایسا اگر کوئی ذرا برابر بھی اپنے آپ کو بڑا جتائے گا اللہ کو یہ کام پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت پاک باز کہتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون پاک باز ہے، کون نیک ہے، اللہ کو معلوم. اس لیے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ گناہگار ہو، اس کو گناہگار غیر ضروری بولنا اور اس کے گناہوں کا بار بار تذکرہ کرتے پھرنا، یہی خود ایک بہت بڑا گناہ ہے. اب تو ہم لوگوں کی عادت ہے، واٹس اپ ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر ایک کے متعلق برائی اتنی بیان کر دیتے ہیں جس کے انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے. اللہ زمینہ بیچ کے کھا جا رہے ہیں، اللہ جائیدادوں پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، اللہ پیسہ لوٹ لے رہے ہیں، وہ فلاں کر لے رہے ہیں، فلاں کر. بھائی تم جو کرنا ہے تم کرو، دوسروں کے بارے میں کیوں آپ کہیں پر بلڈنگ بن رہی تو دیکھیں ارے فلاں صاحب کی بلڈنگ ہے، وہ حرام کا مال جمع کرے، دیکھو کیسا بلڈنگ بنا. آپ کو کیا معلوم انہیں حرام کا جمع کرا یا حلال کا جمع، ہو سکتا حلال کے پیسے سے بنا رہا ہوں گا. آپ اس کی غیبت کریں، اس کے بارے میں برا بھلا بولیں، اور آپ اس کے گناہ اپنے کھاتے میں ٹرانسفر کر لیے اور اپنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر لیے. کسی کے بارے میں ہم کو کچھ بولنے کا حق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو کوئی کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، کوئی طالب علم ہے تو اس کے استاد کو بولا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ یہ غلطیاں کر رہا ہے، یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، ذرا آپ اس کی اصلاح کی. اصلاح کی خاطر بڑے لوگوں کو بول سکتے ہیں. کسی کی اولاد غلط راستے سے چل رہی ہے تو ماں باپ کو اطلاع دی جا سکتی ہے. کوئی قوم کا رہبر ہے اور اس کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ قوم کو درست کر سکتا ہے تو اس کو بول سکتے کہ بھائی فلاں لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ ذرا ان کو روک ٹوک کیجیے. ورنہ ہر ایک کو چپ یوں ہی بول لیتے پھرنا یہ بہت بری بات ہے، یہ غیبت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو روزمرہ ہمارے درمیان میں چلتی رہتی. تو اس لیے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بل اللہ عزت کی معیشہ، کون نیک آدمی ہے اللہ کو بہترین معلوم ہے. ولا یظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ کسی پر تاغے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تاغا چھوٹا سا تاغے کا ٹکڑا جو ہوتا ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا ظلم بھی کسی کے اوپر نہیں کرتے. ولا یظلمون فتیلا، فتیلا دھاگے کو کہتے ہیں، دھاگے کا ایک ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ لوگ اللہ کے اوپر کیسی جھوٹ باندھتے ہیں. وکفا بہ اثما مبینا، یہی گناہ ان کا بہت بڑا صاف گناہ ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اب اللہ پر کیا کیا جھوٹ باندھا انہوں نے، بہت ساری تفصیلات ہیں، آگے کی آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا. ایک بہت بڑا جھوٹ جو یہود نے باندھا، ایک بہت بڑا جھوٹ جو نصارہ نے باندھا، ایک بہت بڑا جھوٹ جو مشرکین مکہ نے باندھا. یہ بڑے جھوٹ تینوں نے کیا باندھے تھے اللہ پر؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور جو مشرکین مکہ ہیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نائلہ اور اس طرح کے ناموں کے بت بنا کر کعبے کے اندر رکھے تھے، اور ان بتوں کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیوں کے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن مجید میں پوچھا ہے کہ مشرکین مکہ سے پوچھو کہ جب خود کو بیٹی ہوتی ہے تو منہ چھپاتے پھرتے ہو، کسی کو اطلاع بھی نہیں دیتے. جس بیٹی کو تم پسند نہیں کرتے اللہ کے لیے ایسی بیٹیاں تجویز کرتے ہو، اور اللہ تو بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے. قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول،
ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। और जो बुतों को बनाकर मुशरिकीन मक्का ने काबे के अंदर रखा वो भी अल्लाह की बेटियां नहीं है, वो तो नाम जो घड़ लिए हैं लोगों ने अपने जहन से वो है, वो तो उनका तो कोई वजूद भी नहीं। इसलिए हमारा अकीदा अल्लाह के जात के बारे में पहले यह होना चाहिए कि अल्लाह के ना बेटे हैं ना बेटियां हैं, अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। और जब अल्लाह ताला के साथ कोई शिर्क करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को कभी माफ नहीं करते। अब इसी सिलसिले में बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, और बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना और अपने आप को दूसरों से पाकबाज नहीं समझना, अपने आप को भी समझना कि मैं भी गुनाहगार हूं, और अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करते रहना, अल्लाह के सामने झुक के रहना है। जितने पैगंबर दुनिया में हुए उनसे किसी किस्म की कोई गलती हुई तो उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हुजूर में गुनाहगार करार दिया। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, ममनुआ दरख्त खा लिए, जमीन पर उतार दिए गए, तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अन्फुसना। आदम अलैहिस्सलाम ने बोले अल्लाह मियां मैं तो बहुत अच्छा था, आप मेरे को फरिश्तों से सजदा कराए, जन्नत में रखे, मैं आपकी इबादत करता हूं, फिर आप मेरे को जन्नत में से कहीं भी निकाले। एक ही गलती हुई ना भाई, एक गलती हुई तो क्या इतना बड़ा इतनी बड़ी सजा देते क्या? ऐसा नहीं पूछे अल्लाह ताला से आदम अलैहिस्सलाम, बोले ज़लमना अन्फुसना, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, अगर आप हमारी मग़फ़िरत नहीं करेंगे, हम पर रहम नहीं करेंगे तो हम बहुत नुकसान उठाने वाले हो। यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती ये हो गई कि अल्लाह का हुक्म आने से पहले बस्ती को छोड़कर निकल गए, तो मछली ने उनको निगल लिया, तो तौबा क्या किया उन्होंने, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह आपके अलावा कोई माबूद नहीं है, आपकी जात तो बहुत पाक है, मैं जालिम हो गया, मैं गुनाहगार हो गया, तो अपने गुनाहों का इकरार किया। और जितने पैगंबरों की दुआएं आपको कुरान मजीद में मिलेंगी उन सब में यही है कि हम जालिम थे, और अपन नमाज पढ़ते, नमाज पढ़े तो नेकी करें ना, दूसरे बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़े बोल के अपने गुस्सा आता, एक बार नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले दूसरे लोगों को देखे नमाज नहीं पढ़ के बैठे हुए लोग, अरे क्या रे नमाज नहीं पढ़ते तुम लोग, मैं तो नमाज पढ़ के आ रहा हूं। ठीक है भाई आप तो नमाज पढ़ के आ रहे नेक है, वो लोग नमाज नहीं पढ़े गुनाहगार है, मगर अल्लाह उनको देख लेगा। हम नमाज पढ़ के अपने आप को नेक समझ के दूसरों को टोक रहे हैं, मगर नमाज पढ़ के सलाम फेरने से पहले दुआ क्या सिखाई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ मेरे रब मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म किया, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, नमाज तो पढ़ा हूं लेकिन फिर भी मैं आपके सामने गुनाहगार हूं, वइल्लम क्या है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم, अल्लाह आप ही माफ करने वाले हैं, आपके अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है, हमको माफ कर दीजिए, आप बहुत माफ करने वाले बड़ा रहम करने वाले। तो नमाज पढ़ने के बाद नेकी करने के बाद भी अल्लाह से माफी मांगना है और अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाना है, यही सबक हमको मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की इन आयतों में जो सबक दिया गया है उन सबक को याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين, الحمد لله رب العالمين.